नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी है और हर डॉक्टर और पेशेंट इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहता है। दोस्तों, कैंसर कई प्रकार का होता है और ये शरीर के कई हिस्सों में पाया जा सकता है। आज हम कैंसर के एक प्रकार ओरल कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओरल कैंसर की शुरुआत मुंह में सफ़ेद छाले या छोटे छोटे घाव से होती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट सुरेश मेहता रावटी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर्स द्वारा माउथ कैंसर बताया गया था और बिना किसी एलोपैथी ट्रीटमेंट के सिर्फ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से वो आज काफ़ी हद तक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं सुरेश मेहता रावटी जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं पवन मेहता रावटी, ये मेरा भैया सुरेश मेहता रावटी। इनको पिछले 5-7 महीने पहले माउथ कैंसर हो गया था, जिनका इलाज श्री अर्पित जी चोपड़ा इंदौर के द्वारा चल रहा है, जिनसे इनको काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है और इनका इलाज चल रहा है और अभी थोड़ी गठान कम हो गई है और इनको बहुत रिलीफ है इस इलाज से। बड़ौदा में इनका सीटी स्कैन करवाया था, वहाँ माउथ कैंसर था तो मालूम पड़ा था, इसलिए हमने डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाने का, हमने ऑपरेशन करवाया नहीं इनका और डॉक्टर सर का इलाज करवाया, जिससे हमें रिलीफ है। कोई इलाज नहीं करवा, सिर्फ डॉक्टर साहब का इलाज करवा रहे हैं हम, बाकी दूसरा कोई इलाज नहीं है। नमस्कार, सुरेश मेहता लाउटी। दवाई ठीक ठाक है? अच्छी है दवाई, अच्छी है। जब पाउच खाते थे, पाउच खाने से माउथ कैंसर आराम है? नहीं, परहेज कुछ भी, परहेज कुछ भी नहीं, दवाई में कुछ भी परहेज नहीं, दवाई असर कर रही है और अभी छोटी गठान भी निकल गई है उससे, दवाइयों के कारण। देखो, इस दवाई का तो विश्वास रखना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगी, इलाज है, इलाज करवाओगे, इलाज लंबा टाइम चलेगा पर इलाज अच्छा है, इलाज अच्छा है। ऑपरेशन में तो आदमी तकलीफ में आता है, इसमें इनको कोई खाने पीने का कोई परहेज नहीं है और बाकी कोई तकलीफ नहीं दूसरी। क्या आप ये इलाज करवाइए डॉक्टर साहब से और स्वस्थ रहिए मॉडर्न होम्योपैथिक से, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के द्वारा। धन्यवाद।